तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयप्रकाश और आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस है ये और पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा चैनल है ऑल सी बी एस ई एजुकेशन इन हिंदी, चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन निकल नहीं रहे थे, तो चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमरीकी वर्चस्व। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए एक बार ध्यान से आप। तो 6 मार्क्स का मतलब 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है एक ही निकला है इस चैप्टर से। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है कि अमेरिका के सैन्य वर्चस्व की व्याख्या करें, अमेरिका का जो सैन्य वर्चस्व था उसकी व्याख्या करनी है आपको। तो आपको पता है ये वाला का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए पहला क्या पॉइंट बनेगा, इस तरह से आपको देखने हैं इस बार। आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादा आपको बताऊँगा नहीं, आप पॉइंट्स देख लीजिए, इनको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये है बड़ी आर्थिक शक्ति, और ये सब पॉइंट्स आई होप कि आपने देख लिया होगा, इनको ही एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। ठीक है, ये है आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन एक ही बना है चैप्टर से, ज़्यादा फालतू क्वेश्चंस देता नहीं हूँ, आपको पता ही है। 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए एक बार, अमेरिका के जो अमेरिकी वर्चस्व है उसकी राह में 3 अवरोध कौन से है स्पष्ट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हालांकि सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और ये भी उन क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से या आपका आने वाला जो प्री बोर्ड होने वाला है या SA1 होने वाला है। तो 3 अवरोध मैं ऐसी वर्बली बता दूँ, एक तो वहाँ की सेना है, मतलब से उन्मुक्त समाज है। ठीक है, वहाँ की कार्यपालिका न्यायपालिका, और एक है वहाँ पे नाटो। नाटो सबसे मुख्य माना जाता है, अमेरिका की संस्थागत बनावट जो अमेरिका के वर्चस्व को रोक सकती है। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, संस्थागत जो बनावट है वो रोक सकती है इसकी मतलब क्या है वर्चस्व को। दूसरा है यहाँ की समाज उन्मुक्त है, प्रकृति है। ठीक है, मतलब अमेरिकी समाज की जो उन्मुक्त प्रकृति है यह भी वर्चस्व को कम कर सकती है। ठीक है, ये है आपका नाटो सबसे ज़्यादा, ठीक है, असरदार माना जाता है। ठीक है, तो नाटो अमेरिका की वर्चस्व को ख़त्म कर सकती है, बहुत मेन जो वर्चस्व को रोकने के लिए कारगर साबित होता है वो होता है नाटो। तो ये है हमारा, आगे देखिए दोस्तों, आगे जो आता है हमारा वो होता है 9/11 की घटना समझाओ। 9/11 की घटना क्या है उसको देखना है एक बारी। 11 सितंबर 2001 के दिन 19 अपहरणकर्ताओं द्वारा जिनका संबंध आतंकवादी गुट अलकायदा से माना जा गया, ठीक है, 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। इनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था वर्ल्ड सेंटर पर टकराया गया, इससे 9/11 की घटना कहा जाने लगा। ठीक है, इसे कहा गया, हमले में लगभग 3,000 लोग मारे गए। हमले में क्या हुआ, 3,000 लोग मारे गए। इसके विरोध में अमेरिका ने विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया, मतलब इसके विरोध में अमेरिका ने विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, पहला विमान कहाँ टकराया था, वो हमारा टकराया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में उत्तरी टावर पर। दूसरा विमान टकराया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क दक्षिणी टावर पर। तीसरा जो टकराया था पेंटागन ने था, ठीक है, लेकिन ये रक्षा मुख्यालय जो था उससे टकराया था। और चौथा विमान जो था कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराया था, टकराना था मतलब कि उसको, लेकिन रियलिटी में जाकर के ये किससे टकराया था हमारा, ये टकरा गया था पेंसिल्वानिया का एक खेत था, तो वहाँ पर जाकर के ये गिर गया था पेंसिल्वानिया के एक खेत में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि अमेरिका के वर्चस्व जो अमेरिकी वर्चस्व है, ठीक है, तो अमेरिकी वर्चस्व में क्या है कि से निपटने के लिए विभिन्न उपाय की चर्चा कीजिए, मतलब अमेरिका के जो वर्चस्व है तो इसके वर्चस्व से बचने के लिए जो अलग अलग उपाय हो सकते हैं उसकी चर्चा करनी है हमें। तो देखिए पहला जो है भारत चीन साथ हो जाए, मतलब बड़े छोटे छोटे जो देश है वो साथ हो जाते तो इनकी मतलब इनके क्या कर सकते हैं वर्चस्व से बच सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है बैड बगन की नीति अपना करके। बैड वैगन की नीति क्या कहती है कि बहे बयार उसी हिसाब से चलिए, मतलब इस तरह की नीति कहती है कि जिस तरह से मतलब विकसित देश चल रहे हैं उसी हिसाब से चलेंगे तो हम बच सकते हैं। ठीक है, कोई देश अपने आप को अमेरिका की नज़र से छुपा ले, लेकिन भारत जैसे, मतलब कोई देश जो छोटा देश अपने आप को अमेरिका की नज़र से छुपा ले, लेकिन भारत जैसे देश के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
यदि राज्योत्तर मतलब राज्योत्तर राज्य के स्तर पर संस्थाएं, एनजीओ, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, जनता, बुद्धिजीव, कलाकार, लेखक सभी मिल जाए तो अमेरिका के वर्चस्व का प्रतिरोध कर सकते हैं। ये सारे लोग अगर मिल जाए तो अमेरिका के वर्चस्व का प्रतिरोध कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के क्या क्या मतलब जरिए है, स्रोत है, उन सबको बताना है आपको, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हमारा, अमेरिका की जो उन्नत प्रौद्योगिकी भारतीय मेहनत का फल है, इस कथन के पक्ष में तर्क विस्तार पूर्वक समझाइए, मतलब तर्क सहित विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये क्वेश्चन जो है घुमा के आता है बोर्ड में, तो यहाँ पे भी घुमा के आपको दे रखा है, ठीक है। हमने तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखना है कि सॉफ्ट इनडायरेक्टली भारत और अमेरिका का के संबंध ही पूछ रहा है, तो ये देख लीजिए। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है, ठीक है। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं, ठीक है। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्यरत है, 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने 15%, मतलब क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो अमेरिका में अगर 100% कंपनियां हैं ना, तो उनमें से 15% जो कंपनियां हैं जो उच्च टेक्नोलॉजी की है, बहुत अच्छी मानी जाती है, करोड़ों की मानी जाती है, तो उन 15% जो कंपनियों की शुरुआत भारतीयों ने की है, ठीक है। ये आपका, तो बस दोस्तों आज का एक ये छोटा सा वीडियो था। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस निकलते नहीं थे, इसलिए एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने दोस्तों आपको समझाने के लिए। तो यही है ये छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। और बस आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन दिखेगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली हमारे चैनल पर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जा करेंगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी बोलता हुआ सुनाई दिया हूँगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय कम है, लेकिन वीडियो भी तो बनाना है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम भी तो आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिए, मैं इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। पिछले 2 वीडियो के जो PDF थे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है। और बस इतना ही कहना था, इसका भी PDF दे दूंगा, तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा और एक बार PDF पढ़ लीजिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।